नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनमत टाइम। अभी हम खड़े हुए हैं पचकाई खेड़ा गांव थाना ताजगंज के अंतर्गत, जहां पर लोग वागों से जानते हैं 2022 के इलेक्शन में क्या रहेगा। बाप बताएं, 2022 के इलेक्शन में किसकी सरकार आ रही है? अब मोदी नहीं रहेगा साहब। तो साहब ये कहता हूँ, मोदी जी ने ऐसा क्या किया जो मोदी नहीं रहेगा? मोदी ने जो बहुत मान लो गरीब आदमियों के लिए बहुत हानि पहुँचाती, लेकिन सब लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है। अब विकास किया है, वो किया है, वो मान लो ढीले भी कर दिए। अभी जानते हैं जो हमारे ये चाचा खड़े हुए हैं इनसे। हाँ जी बताएं, कहता हूँ 2022 में किसकी सरकार आ रही है? 2022 में मायावती की आएगी। और भैया अखिलेश की आएगी, इसकी नहीं आएगी सरकार? नहीं। और मोदी जी, मोदी जी की या योगी जी की सरकार क्यों नहीं आएगी ये बताएं? क्यों नहीं आएगी कि इनने मतलब जो है कि महंगाई के अक्कर मतलब जो है कि जनता पेड़ रखी है, जनता को मतलब जो है कि ये नोच नोच के खा रहे हैं, और सारी चीज मजदूर आदमी मतलब जो है कि ऐसे समझ लो कि फांसी पे लटका दिया, और जैसे मान के चलो खाने पीने की चीज मतलब जो है कि सारी इतनी आसमान पर पहुंचा दी है कि मजदूर क्या खाए, क्या करे, क्या फांसी खा के मरे है, और वो भी मतलब जो है धंधा पानी कहीं है नहीं। तो मोदी जी राशन तो दे रहे हैं? अरे राशन दे रहे हैं तो भाई समझ लो कि फांसी लगा के मारने के लिए वो कर रहे हैं, जनता को गुमराह दे रहे हैं कि मतलब जो है कि जनता फ्री में मतलब जो है कि राशन मिल जाए, फ्री में नहीं मिल जाए, ये जनता को मतलब जो है कि ऐसे घोंट घोंट के मतलब जो है कि मानने के लिए ये लोग दिखा रहे हैं। तो 2022 में योगी जी की सरकार आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। पूछते हैं चाचा, हाँ चाचा बताएं 2022 में किसकी सरकार आएगी? सरकार आएगी अखिलेश की। अखिलेश की सरकार आएगी? हाँ जी, आप बताएं किसकी सरकार आएगी? अखिलेश की सरकार आने की ज्यादा उम्मीद है। ठीक, और कुछ बताएंगे? राशन दे रहे हैं, काफ़ा ज़्यादा राशन, इतनी महंगाई है रही, तभी राशन दे रहे, काम धंधे ना चल रहे, दुनिया की महंगाई है रही है। नहीं तो सिलेंडर, मोदी जी ने सिलेंडर फ्री दिया सबको, तो फ्री दे दे, काफ़ा ज़्यादा महंगे तो तने कहते 1000 रुपया के भरे जा रहे सिलेंडर है, कहाँ तिरंगे तने पैसा 1000 रुपया। हाँ जी, आप बताएं कहता हूँ जो जिस तरह के कहता हूँ जो अपना जो चल रहा है कहता हूँ आगे चल के मोदी जी ने इतना विकास किया, सब कुछ किया, अब मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार आएगी? ना आ रही मोदी की, नहीं आ रही। लेकिन माँ तो आदमी करे बेला कर, तो घर बैठा दे, कहाँ से खाएंगे फिर बता, फैक्ट्री के काम बंद कर दे। अभी यहाँ पे खड़े हुए सब लोग, बाईस का इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार आएगी ये बताएं? मायावती की आनी चाहिए साहब। तो योगी जी क्यों नहीं आनी चाहिए? योगी जी क्यों नहीं आनी चाहिए? अब तो मरी पैसे बचे, अब बिल्कुल आएगी तो और मत जाएंगे, सीधी बात है। मांगे 1 रुपया तक नहीं आयो, बे बनना है काट के, जे बागे काट बनने जाके काट बनने हैं, और अपने में लोट और खर्चा या तो दुनिया भरे के, और सबको कामना हो तो चुनाव होने चाहिए, तो बैलेट पेपरों द्वारा होने चाहिए, और जब ही ईमानदारी के वोट पड़ेंगे, और चेक के नोट होती ईमानदारी को होनी चाहिए। आमदनी ना 1 रुपया के काम धंधे चल रहे, ना काम धंधे बंद डरे, और जे आटे जे कनस्तरन के रीते डरे, ना का खाम है। नहीं तो मोदी जी ये तो गेहूं और चावल तो दे रहे हैं, गेहूं चावल ना दे रहे हैं, चावल ना खाए के फिर का खाम है, फिर दे देना चल जाओ मोदी हम फसल ले आए दे सब सामान है, और आदमी इनकी रोजगार चले, क्या चाहते हैं हम तो है? आदमी की रोजगार नहीं चलेगी तो हाँ, तो यही बोलना चाहिए। मेहनत पे पैसा ना बढ़ा रहे, हाँ बताएं आप। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है सबसे ज्यादा रिश्वत खोर है। नहीं तो किस चीज में रिश्वत ले रहा है पुलिस प्रशासन? कोई गाड़ियों को नहीं चलने देता है, टेम्पुओं को नहीं चलने देता है, और जैसे कोई अपनी मजदूरी के लिए निकलता है उन पे भी रोक लगाता है, और जेबों को टटोल रहे हैं। और क्या परेशानी है आप लोगों की ये बताओ? अब जेब परेशानी ज्यादा है, महंगाई में क्या परेशानी है आपको? क्या महंगाई हो गया, क्या महंगा हो गया जी बताएं? महंगाई तो सब चीज की महंगाई है साहब। तो किस किस चीज पे महंगाई है बताओगे? तेल पे हैं,
दोनों घंटा 250 रुपया का 10 किलो पेट्रोल पंप ढूंढा ढूंढ 100 रुपया लीटर। अब बता मेहनती आदमी क्या करे, पांच लाख के मारे मेहनती इतना मजदूर आदमी क्या करे, मजदूरी बंद कर दी। मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, क्या करे देश का विकास कर रहे होंगे मोदी जी अपने घर में, जनता तो मारे हैं सड़क रोड है, रोड में गड्ढा हो रहा है। नहीं वो कहता हूँ हमारा आगरा तो डिजिटल इंडिया कतूनी है साहब, क्या सुने की बात कतूनी है निकली। 2022 में किसकी सरकार आ रही है ये हम ये तो नहीं कह सकते किसकी सरकार आ रही है, लेकिन ये तो आने के बाद ही पता चलेगा किसकी सरकार आई है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इस टाइम इस सरकार में हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमें महंगाई मिल रही है, महंगाई हमारे बच्चे हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं, खाने पीने से तबाह हो रहे हैं। योगी कहां से लाए जी, तो ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं आगरा को, अब बना रहे हैं वो, लेकिन आज तो हम तो परेशान है ना इस प्रेजेंट में, तो हम क्या तो परेशान है ना, हम यही चाहते हैं जो हर चीज़ की महंगाई हो रही है वो सस्ती हमारे लायक होनी चाहिए, जिस हमारी मजदूरी पे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं और महंगाई पे हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, तो हमारी मजदूरी भी फिर उसी हिसाब से होनी चाहिए जैसे महंगाई है, महंगाई मिल नहीं रही है, हम तबाह हो रहे हैं पैसों के लिए खर्चे के लिए, कहाँ से खिलाएं बच्चों को। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जसरत, गांव रोहता से प्रधान ऊर्जा टेम्पर वर्तमान। अच्छा तो जी 2022 में अच्छा। आप क्या समझ रहे हैं किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की बनेगी 2022 में। अच्छा और ये आम जन समस्याएं हैं, महंगाई है, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी रोकेंगे मोदी और योगी सभी रोकेंगे जी महंगाई, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल ये सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, काम धंधा है नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोरोना के और कोरोना के चक्कर से जब से आदमी परेशान है, मैंने अब मोदी जी और योगी जी सुधारेंगे इस काम को, सुधारेंगे लेकिन महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, रोकने की संभावना करेंगे पूरी जी बताइए। आज यहाँ आप ही के गांव में सारे लोग खड़े हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, खुद कह रहे हैं जी मोदी साहब ने कही तो है सभी के लिए रोजगार मिलेगा, तो कब तक मिलेगा अब टाइम आने वाली है जी बताइए। नहीं कभी तो दवाई ला रहे डॉक्टर, इतना पैसा खर्च हो गया, कभी कह रहे फूल बसेंगे तो कोरोना खत्म होगा, कभी दीपक जलाओ कभी कुछ जलाओ, अब मोदी क्या मालूम है बच्चों को मार रहे कोरोना। अच्छा जी महंगाई इतनी बढ़ रही है इसके बारे में बताएं। महंगाई तो मोदी मार के छोड़ा होगा सगन ने, विदेश में दाम पहुंचा रहा अपने सगन ने, दोनों विकास हो रहा है देश का, कछु विकास में और विकास है रही, 100 रुपया डीजल का तो क्या करे, तेल 200 रुपया का तो क्या करे कोई किसान। वो तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी कछु ना बना रहा, जेम भर रहा बस। चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? किसकी सरकार से अखिलेश आ माया की बस, और कौन कोई नहीं दूसरे की तो ऐसे करेंगे तो विकास तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देश का सत्यानाश कर रहे हैं, मोदी जी सबरे धंधे को बेच रहे हैं, रेल बेच दी, हवाई जहाज दिए, सब तो बेच दिया, हिंदुस्तान बेच दिया, और क्या गरीब भाई बहला जी, गरीब के लिए काम नहीं है, धंधा नहीं है, बेरोजगार डोल रहा है 2 साल से, और क्या चाहिए। मोदी जी को कुछ नहीं पता है, मोदी जी तो सिवाय पैसे वालों की गुलाम है और कोई कुछ नहीं है, पैसे वाले कोई काम कर रहे हैं और किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।